हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि दुर्दर। आज हम हमारा नेक्स्ट सेशन देखने वाले हैं, जो कि है हमारा प्लानिंग के अंदर, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही है। वो जो है हमारा प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो अभी प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस में क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, तो वो आपको मतलब उसमें ऑल पार्टीज के ऊपर आपको वो अग्रीड करनी है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि हमें अगर आपके पास कोई भी मतलब आप कोई प्रॉब्लम आ गया है, कि नहीं तो आपके प्रोजेक्ट में अगर रिसोर्सेज की वजह से कोई डिले वगैरह हो गया, तो उस लिए आपको वो बैकअप प्लान्स, प्राइमरी बैकअप प्लान्स आपको वो रखने पड़ती है। ये आपके मतलब प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब जो कोई भी मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप में जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो उसके ऊपर कोई भी रिस्क आती है, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजीज पहले से ही अवेलेबल हैं तो, इसलिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, स्ट्रैटेजीज फॉर थ्रेट्स और निगेटिव रिस्क। अभी इसमें क्या है कि हम अलग अलग टाइप्स के हमारे रिस्क होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे टू टाइप्स की रिस्क आती है। इसमें पॉजिटिव रिस्क आती है और एक निगेटिव रिस्क आती है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसमें क्या है मतलब इसका हम थ्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको मतलब जो कोई भी, अभी ये क्या है निगेटिव रिस्क है, तो अभी आपको सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे निगेटिव रिस्क में अवॉइडेंस। अभी अवॉइडेंस मतलब क्या होता है कि आप अवॉइड कर रहे हो, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आप अवॉइड कर रहे हो, आपकी जो टीम लीडर्स है वो अवॉइड कर रही है, या फिर उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर नहीं रहे हो। ठीक है, कर लेते हो लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड करते हो कि वो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कि मतलब आपका जो अवॉइडेंस हो रहा है वो आपका अवॉइडेंस में आता है। फिर बाद में माइटिगेशन। अभी माइटिगेशन यानी कि क्या होता है कि जो कोई भी प्रॉब्लम हो मतलब वो आप ट्राई करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करते हो, लेकिन वो आपसे सॉल्व नहीं होता या सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए माइटिगेशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सेकंड में आता है। फिर आपका थर्ड जो आता है मतलब आप उसको रिड्यूस करने के आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कम से कम कर सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा आपका वो मिनिमाइज नहीं हो जाता। थर्ड जो आता है वो आपका ट्रांसफ़र आता है। ठीक है, ये फिर अभी ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आप उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अदर पार्टीज़ को मतलब रिस्क देने के लिए तैयार है या नहीं, फिर अदर पार्टी आप प्रॉब्लम समझ ले रही है या नहीं, फिर ठीक है वो जो है वो ट्रांसफ़र में आता है। मतलब अदर जो पार्टीज होती है वो आपका प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम समझ में ले रही है या नहीं, ठीक है, वैसे आपकी प्रॉब्लम आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अदर प्रॉपर्टीज़ अदर पार्टीज़ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है लास्ट में आपका आता है वो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है कि इसको आप हम कंटिन्यू में मतलब करना पड़ेगा, ये एक्सेप्टेंस में है, ये आप मतलब हम एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करने के आप मतलब करना ही चाहिए, ये आपका इस निगेटिव रिस्क में आता है। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या है कि आपकी ये फोर स्ट्रैटेजीज होती है निगेटिव रिस्क में। अभी स्ट्रैटेजीज फॉर अपॉर्चुनिटीज मतलब और पॉजिटिव रिस्क। अभी पॉजिटिव रिस्क में आपकी चार ये आपकी आती है। ठीक है, इसमें चार आपकी रिस्क आती है। तो इसमें फर्स्ट क्या है अभी जो है कि उसमें आपको एक्सप्लॉयट, अभी आप एक्सप्लॉयट मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली उनको मतलब ये रिमूव कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको रिमूव कर सकते हो। फिर बाद में सेकंड क्या है कि शेयर कर सकते हो, इसमें आपकी जो कोई भी पॉजिटिव रिस्क है आप वो शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, जैसे कि रिसोर्सेस के साथ में, जैसे कि आप समझिए आपका प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट आप स्टैक होल्डर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी आपकी जो पॉजिटिव रिस्क है वो आप शेयर कर सकते हो। थर्ड में है इन्हांस। इन्हांस मतलब क्या है कि आप सपोज इसमें अपॉर्चुनिटीज मतलब आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो कि अच्छे से वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, फिर बाद में जो है आपका एक्सेप्ट कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जो मिलता है आप उसे एक्सेप्ट करते हो। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो हमने
रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने ये देखे हैं, ठीक है। ये हमारे चार स्ट्रेटेजीज हैं। अभी सेकेंड, मतलब अभी क्या है कि नेक्स्ट प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या है कि हमें पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट का मैनेजमेंट करने के लिए पड़ता है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ रिसोर्सेस या फिर मटेरियल लगने वाले हैं, तो जहाँ से आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो उसके लिए कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम प्रोक्योरमेंट में कहते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर के रिलेटेड, वो हम प्रोक्योरमेंट में लेते हैं, ठीक है। तो अभी प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट यानी कि उसे हम मैनेज करना है, मतलब उसे हमें मैनेज करना है, तो हम उसके लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फिर वो टाइप्स कौन से आपके ये थ्री टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसमें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट रिम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड थर्ड जो है वो आपका टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि फर्स्ट जो है तो उसमें आपका फिक्स प्राइस रहेगा फर्स्ट में, ठीक है। कॉस्ट रिम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे, मतलब कॉस्ट में आपका वेरिएंस आएगा इसमें। टाइम एंड मटेरियल के हिसाब से आप मटेरियल क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के लिए हिसाब से आपके यहाँ पे मटेरियल आएगा। फिर अभी फर्स्ट में क्या है कि अभी हमारा जो ये फर्स्ट फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, अभी इसमें क्या है कि ये फर्स्ट, इसमें चार टाइप्स, आपके तीन टाइप्स के ये कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फर्म फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट या FEP इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्ट्रैक्ट टाइप, ये इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है मोस्टली यूज किया जाता है। द प्राइस फॉर गुड्स इज सेट एट द बिगिनिंग स्टेज इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कोई भी प्रोजेक्ट का या फिर प्रोडक्ट का जो कोई भी प्राइस है वो बिगिनिंग में ही आपका ये सेट किया होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो जाते इसके प्राइस में, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्या है आपका फिक्स प्राइस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट, अभी FPIF, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बोथ बायर एंड सेलर। अभी इसमें क्या होता है कि जो बायर एंड सेलर होता है इनके बीच में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से। अभी इसमें क्या है कि इंसेंटिव फी भी वो उनकी फिक्स रहती है, वो उनको फिक्स टाइप की इंसेंटिव फी देते हैं। फिर बाद में फिक्स प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी FPEPA ये इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेंस फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्गर पीरियड एंड डिजायर्ड लॉन्ग टर्म रिलेशंस। अभी इसमें क्या है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है तो उसमें कॉस्ट के लिए इकोनॉमिक प्राइस एडजस्ट होती है, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट मार्केट रेट के हिसाब से भी मिलता है, ठीक है, या एडजस्ट भी करना पड़ता है आपको इसमें। फिर बाद में आपका क्या आता है, सेकेंड जो है आपका कॉस्ट रिम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें भी तीन टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। तो अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट कॉस्ट प्लस फिक्स फी, मतलब CPFF। तो इसमें क्या है, द बायर एग्रीज टू रिम्बर्स अलाउएबल कॉस्ट एंड द फिक्स फी, द फी विल नॉट बी चेंज ड्यू टू सेलर परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पे क्या है, प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, बट ऊपर का जो चार्जेस होते हैं वो भी फिक्स रहेगा, सेलर की वजह से वो चेंज नहीं होंगे, मतलब जो कोई भी सेलर है उसकी वजह से वो चेंज नहीं हो सकता, ड्यू टू सेलर परफॉर्मेंस के हिसाब से वो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अभी बाद में क्या है, सेकंड आपका कॉस्ट प्लस अवार्ड फी, अभी इसको क्या बोलते हैं, CPAF। द बायर एग्रीज टू रिम्बर्स अलाउएबल कॉस्ट बट मेजॉरिटी ऑफ द फी इज पेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी ये जो है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फी हमें पेड करनी पड़ती है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से आपको वो पेड करनी पड़ती है। मेजॉरिटी ऑफ द फी इज पेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें अवार्ड फी इसको बोलते हैं, ठीक है, अवार्ड फी दी जाती है। फिर थर्ड जो है वो कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी, CPIF। तो जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा वर्क के लिए आप डिफाइन किया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपको वो डिफाइन किया जाता है, इसको आप बोलते हैं कॉस्ट प्लस इंसेंटिव, मतलब आप क्या करते हो उसमें इंसेंटिव ऐड कर देते हो, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उसमें एक्स्ट्रा फीस ऐड करते हो।
फिर बाद में लास्ट क्या है आपका टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें क्या है थर्ड में, दिस कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फी एंड द कॉस्ट रिम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, मिक्सचर जो है, वो हमारा टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इट इज समटाइम्स कॉल्ड यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमें कि इसमें दे आर आइडियल फॉर इंस्टेंस व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट आउट अ स्मॉल प्रोजेक्ट और फॉर इंस्टेंस व्हेन स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्क विद इन लार्जर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको लार्जर प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेट करते हो आप टाइम एंड मटेरियल। जो कोई भी आपके बड़े 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 प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए आपको मैनेज एंड कम्प्लीटली बाय वेंडर, वेंडर से आप वो बाय मतलब वो पूरा का पूरा आपको मैनेज करना पड़ता है। लार्जर प्रोजेक्ट के लिए आप टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स में आप अपना टाइम जो है वो आप मैनेज करते हो। ठीक है, वैसे वैसे फिर एंडिंग में क्या है आपका प्लान स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या है कि आप स्टेक होल्डर्स का पूरा मैनेज करते हो यहाँ पे इसमें। मतलब इसमें जो होते हैं स्टेक होल्डर्स, मतलब जो एवरीवन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, ये जो होता है इसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। मतलब जो कोई भी हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड पीपल्स होते हैं या फिर स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो उनका मैनेजमेंट कैसा होता है, हैज डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट अथॉरिटी एंड द इन्फ्लुएंस ओवर द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर डिफरेंट लेवल पे हमारे वो स्टेक होल्डर्स हमने असाइन किए होते हैं। ठीक है, फिर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी फॉर वेरियस सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स। फिर हमें वो स्टेक होल्डर्स जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ती है उनके लेवल्स पे। तो स्ट्रैटेजीज क्या, प्लान स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट की वो स्ट्रैटेजीज क्या होती है, तो इसमें हमें 5 टाइप्स की वो स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती है। तो फर्स्ट में क्या है अनअवेयर, मतलब हमें वो सपोज मालूम ही नहीं है हमारा वो प्रोजेक्ट जो है, हम उसको मतलब हमें वो मालूम ही नहीं है, हम अनअवेयर रहते हैं, तो वो उस टाइप में आते हैं। ठीक है, फिर कुछ रेजिस्टेंस, मतलब क्या है कि वो रेजिस्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे प्रोजेक्ट में जो कोई भी चल रहा है उसको वो रेजिस्ट करते हैं कुछ स्टेक होल्डर्स। कुछ लोग जो होते हैं वो न्यूट्रल ही रहते हैं, मतलब वो पॉजिटिव में भी नहीं आते और निगेटिव में भी नहीं आते, वो न्यूट्रल रहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो सपोर्टिव रहते हो कि जो कि आपके प्रोजेक्ट में वो बहुत सारा सपोर्ट करते हैं आपके टीम मेंबर्स को या फिर आपके स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, फिर बाद में जो है लीडिंग, जो आपको प्रोजेक्ट में मतलब जो लीडिंग मतलब जो लीडरशिप करना प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट में वो आपके लीड करते हैं। ठीक है, लीड प्रोजेक्ट को लीड करते हैं वो आप, इसमें वो जो है वो आपके लीडिंग्स में आएंगे। मतलब 5 टाइप्स के स्टेक होल्डर्स होते हैं कि वो आपको प्रोजेक्ट में मैनेज करने पड़ते हैं। फिर लास्ट में क्या है प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप, हमारी ये प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप हो गई। ठीक है, हमने ये यहाँ तक देख ली है, अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमारी ये प्रोसेस हमने ये सब यहाँ तक देख ली है, प्लान स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट तक। तो हमने यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में प्लानिंग में क्या क्या होता है, हम क्या क्या क्रिएट करते हैं, ये सब हमने हमने आज तक के सेशन में हम देख लिया है। अभी आगे जो सेशन आएगा हमारा वो एग्जीक्यूशन का होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फिर वहाँ पे हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या होता है प्रोजेक्ट में वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।